पोखरण से प्रत्याशी है, 200 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहे हैं। सर वोट के लिए, मतलब आप वोट की कीमत जानते हैं? जी बिल्कुल, इसलिए आया हूँ मैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र को छोड़ कर भी और वोट के महत्व को समझता हूँ और ये लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वोट का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सबसे पहले ये मतदान है, माँ भारती की झोली में मतदान हम सबको। और एक लाइन भी अभी तक विधानसभा से क्या रुझान है, किस तरीके का बीजेपी के प्रति? बीजेपी के प्रति बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआती दौर था तब लोगों को लगता था कि बीजेपी नहीं आ पाएगी और अब ऐसा लगता है बीजेपी ही आएगी। क्या कितनी सीटें आई आपका, क्या बहुमत आएगा बीजेपी का? बहुमत आएगा। सर जो लड़ाई चल रही थी मतलब आपके और फकीर के बीच में, वो कहाँ, मतलब उसका अंत आज हो गया? नहीं नहीं, लड़ाई तो कभी संत और फकीर करते ही नहीं है। बाबू जी एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप इतने टाइम से वहाँ पर है, अचानक ही जाना और ये सब चीज़ें, कैसा मतलब मैनेज करने में कितना टाइम लगा? नहीं नहीं कुछ नहीं लगा, सारे अपने लोग होते हैं और सर्वआशा मम मित्र हूँ, तो जहाँ जाएंगे अपने मित्र को मिल ही जाते हैं। चेहरे की स्माइल कुछ कह रही है, आप बताइए क्या? आपने वहाँ पे किन मुद्दों को लेके मतलब पार्टी का मुद्दे तो तय है, राष्ट्रीय नीति के, राष्ट्रीय बीजेपी के मुद्दे हैं और वहाँ का सबसे बड़ा सुख शांति और समृद्धि शांति रहनी चाहिए वहाँ उस क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र है। ऐसी कौन सी समस्या थी जो मतलब मेन थी, जो मतलब बड़ी मुद्दा था, जो लोग वहाँ शांति को लेकर के ज्यादा थे कि हमारे सीमांत क्षेत्र हैं और बिल्कुल एकदम शांत रहे। प्रताप जी, एक खुफिया रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया जैसलमेर के अंदर मुस्लिमों के जो है वो बॉर्डर के लगती आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती है, उनके जो निर्माण कार्य है, तो ये अपने आप में खतरा है। जी बिल्कुल, इसलिए लोग आशंकित थे और जैसलमेर ही नहीं, गंगानगर से लेकर के और गुजरात तक का बॉर्डर है। ये पिछली बार सर्वे में भी आया तो वहाँ हर प्रकार से संख्या भी बढ़ी है, मदरसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वो भले शिक्षा का केंद्र बने परंतु कहीं ना कहीं ऐसा हो कि वहाँ कोई ऐसा असामाजिक तत्व कहीं जा करके शरण में ले लें, वो लोगों को थोड़ा लगता है। बाकी अच्छी बात है, शिक्षा दें, संस्कार दें बच्चों के अंदर, अच्छी बात है। Thank you.